ओम शांति। चैत्र नवरात्रि की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आते ही सभी भक्त लोग शिव शक्तियों की आराधना करते हैं, जिसमें तीन विशेष शक्तियां ज्ञान की देवी सरस्वती, शक्तियों की देवी दुर्गा, धन की देवी लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। उन्हें प्रसन्न कर अनेक वरदान मांगे जाते हैं, अनेक इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भक्त लोग उपवास करते हैं, घर में घट स्थापना कर कलश स्थापित करते हैं, दीप जलाते हैं, माता की पूजा आराधना करते हैं। इससे पहले घर की साफ सफाई कर सभी साफ स्वच्छ पवित्र रहकर माता की पूजा आराधना की प्रतिज्ञा करते हैं। तो ऐसी शिव शक्तियां कौन थी, इन्होंने क्या किया था जो आज भी उनकी महिमा में भक्त लोग उपवास करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने की आशा करते हैं। तो ऐसी ही तीन देवियां जो शिव शक्तियां कहलाती हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती, शक्तियों की देवी दुर्गा व धन की देवी लक्ष्मी का आज हम वास्तविक इतिहास जानेंगे कि वास्तव में इन देवियों ने क्या किया, ये देवियां कौन हैं, कैसे प्रकट हुई, इनका क्या इतिहास है, यह जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही मधु केटव और महिषासुर का वध कैसे हुआ, क्यों किया, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। अब शुरू करते हैं सरस्वती, दुर्गा व लक्ष्मी का वास्तविक इतिहास। क्या शक्तियों पर हिंसा का आरोप मिथ्या नहीं है? नवरात्रि का त्योहार भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। उन 9 दिनों में भारत के आदि सनातन धर्म के लोग, विशेषकर बंगाल के लोग, सरस्वती आदि शिव शक्तियां और श्री लक्ष्मी आदि देवियों की बहुत पूजा करते हैं और नवरात्रि के अंत में उनकी मूर्तियों को जल प्रवेश करा देते हैं। पुराणों में शक्तियों का परिचय आश्चर्यजनक है। प्रश्न उठता है कि जगत अम्बा, सरस्वती, दुर्गा, काली और लक्ष्मी आदि कौन थी? उन्होंने ऐसा कौन सा महान कार्य किया था कि आज तक उन शक्तियों का गायन होता है? यदि आज आप शक्ति पूजा करने वाले लोगों से अर्थात भक्तों से उपयुक्त प्रश्न करें तो वे कहेंगे दुर्गा सप्तसती नामक ग्रंथ में और मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि इन शक्तियों ने करोड़ों अरबों असुरों को, विशेषकर महिषासुर, रक्तबीज तथा शुंभ निशुंभ नामक असुर का संहार किया और देवताओं के राज्य की पुनः स्थापना की। अब हरेक मनुष्य को यह जानने की स्वाभाविक उत्सुकता होगी कि ये मधु केटव और महिषासुर आदि दैत्य कौन थे और शक्तियों ने क्यों और कैसे इनको मारा और शक्तियों का अपना जन्म कैसे हुआ। तो अब जानेंगे मधु और केटव का नाश। दुर्गा सप्तसती नामक ग्रंथ में लिखा है कि कल्प के अंत में शेष नाग पर सोए भगवान विष्णु के कानों से मेल द्वारा 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और केटव कहलाए। वे दोनों विष्णु जी की नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा को खा जाने के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनके डर के मारे विष्णु जी को जगाने के लिए योग निंद्रा देवी की स्तुति की। देवी योग निंद्रा जो ही वास्तव में लक्ष्मी देवी हैं, विष्णु जी के मुख नासिका आदि से निकली। विष्णु जी उठे और उन्होंने 5000 वर्षों तक उन असुरों से बाहुबल के साथ युद्ध किया। वह असुर विष्णु जी की वीरता से संतुष्ट होकर बोले,
हमसे वर मांगो। विष्णु जी ने कहा, यह वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। तब विष्णु जी ने उन दोनों को सुदर्शन चक्र से मार डाला। दुर्गा सप्तसती अध्याय 1 श्लोक 66 से 104 तक। अब आप देखिए यह कैसी अटपटी और चटपटी बातें लिखी हैं। विष्णु जिन्हें यहां भगवान कहा गया है के कानों की मेल से असुरों का पैदा होना, और वह भी ऐसे असुर जो स्वयं विष्णु जी से 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे और उन्हें भी वर मांगने के लिए कहें और बिना किसी कारण के ब्रह्मा जी को खाने को तैयार हो जाएं, क्या ऐसे असुरों का पैदा होना आपकी समझ में आता है? फिर योग निंद्रा को या महामाया की श्री लक्ष्मी अध्याय 4 श्लोक 10 मानना, क्या यह अज्ञान नहीं है? अब आप ही सोचिए कि दुर्गा सप्तसती में यह जो लिखा है कि मधु केटप के वध का प्रसंग पढ़ने से मनुष्य के पाप नाश हो जाते हैं, यह कहां तक सत्य है? अब श्री महालक्ष्मी और दुर्गा के बारे में क्या लिखा है? किन्विंत उस पर ध्यान दीजिए। महालक्ष्मी जगदम्बा अथवा दुर्गा का जन्म और महिषासुर के वध का प्रसंग। लिखा है कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक जो युद्ध हुआ उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर देवताओं को हराकर इंद्र बन बैठा। तब सभी देवताओं ने विष्णु और शिव जी को महिषासुर द्वारा पीड़ित होने का वृत्तांत सुनाया। विष्णु और शिव को क्रोध आया, उनकी भुएं चढ़ गईं और मुख टेढ़ा हो गया। तब विष्णु के मुख से और ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि के शरीर से भी एक तेज निकला, वह सब मिलकर एक देवी का रूप हो गया। शंकर के तेज से उसका मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं, यमराज के तेज से उसके सिर के बाल, ब्रह्मा के तेज से उसके शरीर के अन्य भाग हुए। इन्हीं का नाम श्री लक्ष्मी हुआ। ऊपर हमने श्री लक्ष्मी का शास्त्रों में वर्णित जीवन व्रत लिखा है, उसी देवी को ही दुर्गा सप्तसती में भद्रकाली और अंबिका कहा गया। अध्याय 4 श्लोक 10-11 भी यही कहता है और दुर्गा भी अध्याय 4 श्लोक 37 से 39 उस देवी महालक्ष्मी अथवा दुर्गा के चरणों से पृथ्वी दबती जा रही थी और धनुष की टंकार से सातों पाताल शुद्ध हो गए थे। आगे लिखा है कि असुरों की सेना कई अरब और रथ कई करोड़ थे। देवी ने उनसे युद्ध किया। रणभूमि में देवी के जितने श्वास निकले वे सभी तत्काल ही सैकड़ों हजारों गणों योद्धाओं के रूप में प्रकट हो गए और अस्त्रों शस्त्रों से वे भी असुरों से लड़ने लगे। देवी ने हुंकार की और एक असुर सेनापति मर गया। आखिर में महिषासुर एक भैंस का रूप धारण करके आगे बढ़ा। उसके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत खंड आकाश में गिरने लगे। लड़ते लड़ते भैंसे का रूप छोड़कर उसने सिंह का रूप, फिर हाथी का रूप और अंत में फिर भैंसे का रूप धारण किया। वह तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। लड़ाई करते हुए वह भैंसे से आधा बाहर निकला ही था कि देवी ने उसे मार डाला। दुर्गा का प्रायः यही चित्र जिसमें कि भस्मासुर भैंसे से निकल रहा होता है और दुर्गा उसे मार रही होती है, नवरात्रि के अवसर पर अधिकतर भक्तों को प्रिय लगता है और इसी वृत्तांत की प्रायः मूर्तियां भी बनती हैं। अब आप विचार कीजिए
कि यह जो लिखा है कि देवी के जो श्वास निकले थे गणों योद्धाओं का रूप धारण कर लेते, उसके हुंग कहने से ही एक असुर सेनापति की मृत्यु हो गई। महिषासुर के प्रचंड वायु के वेग से पर्वत के सैकड़ों टुकड़े उड़े। उसने भैंसे, शेर, हाथी आदि का रूप धारण किया। देवी के पांव तले पृथ्वी दबी जा रही थी। सातों पाताल सुब्द हो उठे थे। ये सब वाक्य एक अजूबे के सिवा क्या महत्व रखते हैं? किन्वित यह भी सोचिए कि असुरों की कई अरब सेना और कई करोड़ रक्त ठहरे कहां होंगे। स्पष्ट है कि ये बातें एकदम गलत, असत्य और अमान्य हैं। अंबिका और काली। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने इंद्र से तीनों लोकों का राज्य छीन लिया था, तो देवताओं ने हिमालय पर जाकर विष्णु माया की स्तुति की। उस समय पार्वती जी के शरीर केश से एक देवी प्रकट हुई। इन्हीं का नाम अंबिका देवी या शिवा देवी हुआ। इस देवी ने हूं किया तो असुरों की सेना का मुख्य असुर भस्म हो गया। यह हिमालय पर बैठी थी तो असुरों की सेना को आते देख कर इन्हें क्रोध आया और इनका मुख काला पड़ गया और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली देवी प्रकट हुई। अध्याय 7 श्लोक 4 से 6। उसकी जीभ लप लपाने लगी, वे सबका भक्षण करने लगी। वे अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों तथा घोड़ों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती और चबा डालती। इन्होंने बहुत असुरों को मार डाला। अब ऊपर काली और अंबिका देवी का जो वृत्तांत दिया, क्या उसे पढ़ने से आपको शांति, आनंद, प्रेम आदि ईश्वरीय गुणों का कुछ अनुभव होता है या हिंसा, मार काट, निर्दयता और जंगली व्यवहार का दर्शन होता है? क्या शरीर केस से अंबिका देवी के प्रकट होने और अंबिका देवी के क्रोध से काले होने पर काली देवी के प्रकट होने की बात तथ्यहीन नहीं जान पड़ती? पुनश्च लप लपाने वाली जीभ घोड़े, हाथियों और महावतों आदि को एक ही हाथ में पकड़कर खा जाने वाली बात कैसी घृणा उत्पादक और भ्रामक मालूम होती है। इसकी बजाय तो यदि यह कहा होता कि वह देवी चीनी अथवा खांड के बने हाथी, घोड़े और महावतों को खा जाती थी तो वह अच्छा होता। चलो, उससे मनोविनोद तो हो जाता और बात संभव तो मालूम होती। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सरस्वती, शिव दूती आदि के प्रसंग के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। अच्छा, ओम शांति।